वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल एक बार फिर ख़तरे में हैं, उनके खिलाफ तहरीक-ए-आदमे इत्मेदान पेश कर दी गई है। हमारे साथ बलोचिस्तान के सूबाई वज़ीर असद बलोच साहब मौजूद हैं। बलोच साहब, ये बताइएगा कि ये तहरीक-ए-आदमे इत्मेदान जो पेश की है, इस्लामाबाद से संजरानी साहब आ गया या कोई और आ गया, तो ये वापस ले लेंगे या इसको कामयाब करवाएंगे? शाकिर साहब, एक दफ़ा संजरानी साहब यहाँ आए, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की, क्योंकि उन्होंने कहा हमारी पार्टी जो बनी है, इस पार्टी को तकसीम होने से बचाने के लिए काफ़ी उन्होंने कोशिश की, हाथ जोड़ के कोशिश की, लेकिन दलील के साथ उनके साथ बात हुई। बलूचिस्तान के मारूजी हालात, ज़मीनी हकाक उसके सामने रख दिए, वो कन्विंस हो गया किसी हद तक, वो वापस चला गया इस्लामाबाद। फिर वापस इस्लामाबाद से तो कोई दूसरा कोई फरीक आया नहीं है, सेनेटर भी आए उसके साथ थे। तो कितने लोगों की हिमायत हासिल है बाकायदा तौर पे आपको? मजमूई तौर पे हमारे असेंबली की जो पोजीशन है उसके नंबर हैं 65। 65 से मजमूई तौर पे इस वक्त हम समझते हैं 40 बंदे हमारे साथ हैं। बाकी जाम साहब के साथ बचेंगे, स्पीकर को निकाल दें उसके बाद 24 बंदे बचेंगे, तो 24 कोई मेजॉरिटी नहीं है। सादा अक्सरियत जो होती है बलूचिस्तान में 33 बंदों का होती है, 33 पे। आप इस तहरीक-ए-आदमे इत्मेदान को कामयाब करने के लिए बड़े पुर उम्मीद हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ शो कर देंगे 40 लोगों की? इंशाल्लाह हम यही समझते हैं कि 40 से ज़्यादा होंगे। इस वक्त एक महीने में जो सिलसिला था पूरे सूबे में एक गैर यकीनी कैफियत था, सेक्रेटरिएट बंद है। चौधरी साहब, आपसे पूछना चाह रहे हैं कुछ। चौधरी साहब, ये मरकज में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और उनके भी कुछ MPAs हैं वहाँ, वो आपके साथ हैं या जाम कमाल के साथ हैं? वो तो न्यूट्रल हैं, इनका पार्लिमानी लीडर यार मोहम्मद रेंदे, उन्होंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा कि हम तो बाप के साथ हैं, बाप पार्टी के। लेकिन बाप पार्टी बलोच साहब वो न्यूट्रल रह नहीं सकते, वो आदमी एतमाद वाले दिन आपके साथ जाएंगे या नहीं? वो कह रहे हैं कि उस दिन हम साथ आए या नहीं, हमारे 40 काफी है उनके गवर्नमेंट को जाम को हटाने के लिए, हमारे 40 बंदे काफी हैं। पूरे हैं, यानी कि PTI के मेंबर्स की जरूरत नहीं है? हाँ, जरूरत नहीं, वैसे एक बंदा हमारे साथ है PTI में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक बंदा है हमारे साथ। जी हाँ, तो और तो वो नसीबुल्ला हैं, आज उन्होंने तो BAP के हुक्मरा जमात के कितने लोग आपके साथ हैं? देखिए, हम हुक्मरान जमात के साथ हैं, मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल हूँ। हमारी असेंबली में तादाद वक्त है 2 हैं हम, और 14 बंदे आपके बाप के हैं, और उस 14 से अलावा 2 बंदे हैं जो जाम साहब के कैंप में हैं, हम उनको शो नहीं कर रहे हैं। उस रोज़ जब गिनती होगी वो भी हमारे साथ निकलेंगे। वो आपके मुखबर हैं, यानी कि मुखबरीन भी जाम नहीं हमारे साथी है, मुखबर की नहीं है ना, मुखबरी की तो बात ही नहीं है, वो तो हमारे साथी है। ये एक गेम है और एक जादूजोद है, एक जहाद है, एक स्ट्रगल है, और इस स्ट्रगल में हमारे साथ तो हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त टूट चुका है आपके ख्याल में? नहीं, हम चाहते हैं कि बाप तो पार्टी रहे, हम उसके इत्यादी है, बाप पार्टी अपनी जगह रहे, हम माइनस जाम की कह रहे हैं, -1। देखें ये सूबा -1, माइनस जाम होगा, बाकी उनके साथ हमें कोई गिला नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो ये थे जनाब असद बलोच साहब थे। तो चौधरी साहब, एक शेर है, खुद गर्जियों की शहर में ऐसी हवा चली, कुछ सोच कर स्लीप से ईसा उतर गए। कल फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।